हेलो गाइस, तो यहाँ पर बात करने वाले फ्यूचर माइक्रो फाइनेंस के अलॉटमेंट स्टेटस के बारे में। किस किस को ये मिला है, किसको नहीं मिला है, काफ़ी लोगों को मैसेजेस नहीं आए, तो उनको किस तरीके से चेक करना है कि हमको अलॉटमेंट मिला है या नहीं मिला, कौन सी वेबसाइट पर करना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ, इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस अगर आप देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर इसके सब्सक्रिप्शन स्टेटस की हम बात करेंगे, क्यों कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस आप देखते हैं फ्यूचर माइक्रो फाइनेंस का, तो इतना ज़्यादा सब्सक्राइब ये नहीं हुआ है, यहाँ पर 3 गुना के आसपास सरप्राइज। वहीं रिटेल कैटेगरी के अंदर देखेंगे फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हुआ, नॉन इंस्टीट्यूशनल में भी काफ़ी कोई रिस्पांस नहीं, क्वालिफाई में थोड़ा सब्सक्राइब, ओवरऑल सब्सक्रिप्शन आप देखेंगे 3 गुना के आसपास। तो जिनने भी इसमें अप्लाई किया है, लगभग सभी को आईपीओ मिल जाने वाला है। अब आपने अगर इसमें अप्लाई किया था तो एक लोट के लिए अगर आपने अप्लाई किया तो 40 शेयर आपको अलॉट होने वाले, जिसके लिए आपने 14,720 रुपये पे किया। अब सवाल आता है आपको लिस्टिंग गेन कितना मिलने वाला है यहाँ से, और कहाँ पर जाकर अपना अलॉटमेंट देखना है, क्योंकि ऑलरेडी अलॉटमेंट वेबसाइट पर आ चुका है। तो 40 शेयर का ये लोट है फ्रेंड्स, और अभी यहाँ पर देख लीजिए जीएमपी 5 रुपये के आसपास चल रहा है। तो 40x5 अगर आप करते हैं यहाँ पर, तो आपको एक लोट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये का प्रॉफिट आपको दिखा रहा है। अगर आपने लिस्टिंग गेन लेने के लिए इस आईपीओ में अप्लाई किया था तो ना के बराबर बिल्कुल लिस्टिंग गेन यहाँ पर नहीं है, 2% के आसपास, हो सकता है 3% या 5% चला जाए, और हो सकता है डिस्काउंट पर भी आपको मिल जाए फ्रेंड्स। तो ये तो हो गई अलग बात, अगर आपने अप्लाई कर दिया तो कोई रास्ता नहीं, आपको यहाँ से जो भी लिस्टिंग गेन मिलता है आपको लेकर के तुरंत यहाँ से एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर आप रुकते तो कहीं ना कहीं बेनिफिट है, लेकिन शॉर्ट टर्म आप रुकेंगे तो आपको कोई बेनिफिट यहाँ से मिलने वाला नहीं है फ्रेंड्स। अभी बात करते हैं देखना का, तो आपको लिंक्डइन टाइम के ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना, अपने ब्राउजर पर टाइप करना है लिंक्डइन टाइम, इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं, 3 तरीके होते हैं यहां पर अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के, ठीक है। मैं हमेशा पेन नंबर द्वारा चेक करता हूँ, आप एप्लीकेशन नंबर द्वारा भी चेक कर सकते हैं, डीपी क्लाइंट आईडी द्वारा भी चेक कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर देख लीजिए आईपीओ सिलेक्ट कर लेना, ऑलरेडी सिलेक्टेड है फ्यूचर माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड आईपीओ, इस तरीके से नाम लिखा हुआ जाएगा। नहीं आता तो इस एरो पर क्लिक करके आप सर्च कर सकते हैं। इसके बाद देख लीजिए, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। इसके बाद नीचे यहाँ पर पैन नंबर का ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पर अपना पैन नंबर या एप्लीकेशन नंबर जो भी आपका डाल देना, सर्च पर क्लिक करना, यहाँ पर आपको अपना स्टेटस दिख जाएगा कि आईपीओ आपको अलॉट हो चुका है या नहीं हुआ है। और मेरे हिसाब से दोस्तों जिसने भी इसमें अप्लाई किया 100% अलॉटमेंट आपको मिल जाने वाला है, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। कल यहाँ पर अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगा था, तो फाइनल लेटेस्ट यहाँ पर न्यूज़ के अंदर आप देखेंगे तो अपडेटेड आपको दिखेगा, और अपना आराम से आप अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं यहाँ पर।